वो फाइनली भाई फाइनली हमारी ओए 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 वो तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। दे ये भाई, वो बच गया यार, इसने अंडा दिया है भाई काफी दिनों बाद, बच गया यार ये, अभी तोड़ देते दोनों। चलो चलो मुर्गी अंदर जाओ, चलो चलो अंदर जाओ चलो। ओए बच गया, बचा लिया यार, यकीन मानो वरना ये तोड़ देते अभी दोनों। ये जो हमारा छोटा डॉन है ना, ये अपनी शरारत के चक्कर में अभी अंडा तोड़ देता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद यार आखिरकार छोटे डॉन का अंडा आ गया है। और एक नहीं, ये देखें भाई, एक अंडा ये भी रखा हुआ है। ये सुबह किसी मुर्गी ने दिया था, तो मैं जल्दबाजी में भूल गया था। तो मैं आया तो था, पर मैं रख के इनको पानी यानी डालने के जाता हूँ, तो उस चक्कर में मैं बहुत जल्दी में था, तो मैं रख के जल्दी में यहीं भूल गया और वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। खैर से यार ये तो मैं नीचे ले जाऊँगा। बाकी यार मेरी हालत देख रहे हो तुम लोग, इतना ख़राब हालत में मैं इसलिए हो रहा हूँ, पसीने में। सबसे पहली बात तो ये यार दोस्तों, हब्स के ना टेम्परेचर जो है वो नीचे ही नहीं आ रहा भाई, और हब्स बहुत है यार, अजीब गर्मी है। मतलब हवा तो चल रही है पर ये अजीब सी गर्मी है, चिपचिपाट वाली, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है, देख रहे हो हल्के से काम में, तो मुझे इसलिए ज़्यादा आ रहा है यार। पहले तो मैंने आके पूरा ऊपर साफ़ करा है सुबह जब के करके गया था, पर अभी देखो आप क्या हालत कर दी इन लोगों ने, अभी के अभी पूरे पिंजरे नीचे से सारा गंदा हुआ हुआ। तो इस वजह से भाई मैं थका हुआ हूँ। और बाकी इनके खाने में जो है ना, कहाँ गया भाई, ये रहा यार आज जो है ना, हमने खाने में ये सारा काफ़ी इनका पड़ा हुआ था नीचे, तो ये एक दिन का पूरा जमा हुआ हुआ है, तो कल परसों का जमा मैं कर लेता हूँ ऐसे, ताकि यार इनको मिक्स करके अच्छा खासा हो जाता है। तो ये एक दिन का जमा कर लिया था। और बाकी मैंने यार वहाँ पे बाजरा भी खो दिया है, वो देखें, वो जैसे ही थोड़ा सा फूल जाता है बाजरा, फिर इनको हम मिक्स करके एक एक करके खाना देना शुरू करते हैं जल्दी से। तो यार दोस्तों, मैंने इनको खोला है, दाना डाला है, और मुझे क्या देखने को मिला है, बड़ा यार दुख से कहना पड़ रहा है आप लोगों को, और हमारा यार आज़ाद कबूतर, आज़ाद पिजन जो हम लेकर आए थे, वो हमें छोड़ के चला गया है। वो देखें दोस्तों, सुबह तक ये सेट था भाई, इसको दाना पानी करा था, पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत जो है ना, क्योंकि इसकी यार सिप आ गई थी बिल्कुल बाहर। लेकिन एक चीज़ देखो यार, चोटियों ने कितनी जल्दी काम दिखाया है, ये देखो यार कितनी जल्दी चोटियों ने यार इसको खा गई। ये अभी तकरीबन इसको मरे हुए दोस्तों 2.5-3 घंटे हुए हैं, मैं तो खैर सुबह आया था, तो हाँ 2.5 से 3 घंटे इसको हो गए होंगे, क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी अकड़ी हुई है। अबे यार, तो यार हमारा आज़ाद पिजन हमें छोड़ के चला गया यार। खैर से यार ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि ये काफ़ी तकलीफ़ में था, और इसका इलाज होना ना, वो एक बोलते हैं कि इनका जो ये लकवा होता है उसका इलाज होना बहुत नामुमकिन होता है, हो जाता है कुदरती तौर पे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, पर इनका जो होता है ना इलाज बहुत मुश्किल होता है, हो भी जाता है पर नामुमकिन, लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर नहीं होता, 100% में तो 90% नहीं होता, 10% हो कोई गारंटी, या कोई वो बोलते हैं ना कि कोई वो हो जाए तो हो सकता है भाई कि ये सेट हो जाए, बट क्या कर सकते हैं यार, दुख बहुत है यार। 14 अगस्त पे हम लेकर आए थे इसको, और आज ये सितंबर की शायद मेरे हिसाब से 11 या 12 को ख़त्म हो गया है यार, ना ये हमारा नया सेटअप देख पाया जो हम करते हैं, ये कुछ भी नहीं देख पाया यार। मैं सोचा था कि इसको रखूँगा पालूँगा और ये सेट हो जाएगा तो यार उन्हीं के साथ रहेगा, पर यार इसकी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी। पर बाकी यार इसको चोटियों ने दोस्तों, ये देखें पूरा खाना शुरू कर दिया, ये यहाँ से खा रहे हैं। अबे यार हमारा पिजन ब्लॉग काफ़ी याद आएगा यार। खैर से चलो, मैं इसको दोस्तों दफना कर आ जाता हूँ, और क्या कर सकते हैं, आज ये बैड न्यूज़ हमें मिलनी थी यार, ये बहुत कमज़ोर हो गया था यार। चलो यार लेके चलो। तो यार दोस्तों, मैं जो उसको दफना कर आ गया हूँ इस तरफ पे, क्योंकि यार घर के आगे मैं दफना रहा था, वहाँ मैंने खोदा ना गड्ढा, तो वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं, और अभी भी हमने रिसेंटली कुछ दफनाया था अपना जो कबूतर का बच्चा, तो यार वो नीचे बहुत ज़्यादा हम नहीं दफना पाते, तो इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी गलते नहीं है, तो इस वजह से मैंने वहाँ नहीं उधर जाके दफना दिया उसको अंदर की तरफ। और बाकी भाई आज़ाद कबूतर भी गया, और हमारा जो पिंजरा है वो वापसी से खाली हो गया यार। चलो भाई आज़ाद कबूतर, तुम्हारी इतनी ज़िंदगी थी, क्या कर सकते हैं यार, हमने अपनी पूरी कोशिश की दोस्तों। खैर से मुझे इस चीज़ का वो नहीं है, लेकिन मुझे ये वो है कि एक चीज़ की के मतलब खुशी नहीं, एक बोलते हैं ना कि इत्मीनान, कि यार वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, तो अगर कोई इंसान भी होता, लोग अक्सर बोलते हैं कि यार
कि इसकी तकलीफ आसान हो जाती है मरने के बाद। खैर से ज़िंदगी देने वाला तो यार अल्लाह पाक है, और ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है यार। और अगर आप सेहतमंद हो तो बहुत अच्छी नेमत है यार ज़िंदगी। अगर आप सेहतमंद हो तो शुक्र गुज़ार करो अपने रब का कि आपके पास हाथ पांव सब सलामत है। तो बस यार देखो वो कैसा था लकवा मारा हुआ, ऐसे इंसान होते हैं। तो खैर से उसको एक तरीके से अपनी जो तकलीफ थी ना उससे निजात मिल गई और वो चला गया भाई दूर बहुत। यार काफ़ी दिनों से ना दोस्तों मैं चीज़ चेक कर रहा था इनका अंडा, और ये कब से पड़ा हुआ है इधर दिखाओ, ये देखो इनकी हरकत है, इनका दिल ही नहीं सुधरता, अंडे तोड़ते रहते हैं यार। ये पता नहीं क्या हरकत की हुई है, ख़राब अंडा, दूसरा निकालते हैं यार, वो देखें वो पड़ा हुआ। यार तुम लोग के पास काम नहीं बचा है क्या कोई, पता नहीं क्या करते हो। ये देखें अंडे भरे पड़े हैं और अजीब सा हो रहा है तो टूटा हुआ, देखते हैं यार इसके अंदर क्या है, चेक करते हैं। तो यार यहाँ चेक करना पड़ेगा हमें। आई हाय यार ये देखो खराब कर दिया इसने यार, थू साला बया। सारा मुंह का फट गया। तो यार मैंने मुंह धोया, बहुत गंदी बदबू थी, और मैं जैसे ही फाड़ा था सारा का सारा मुंह पे आ गया यार, और कैमरा उस तरफ था तो कैमरे पे भी आया ये बहुत सारा। मैं बहुत गंदी बदबू थी यार, बहुत गलत फैसला करता हूँ मैं कभी कभी, यकीन जानो पूरा गंदा हो गया मुँह। तो यार दोस्तों मुझे तुम लोगों से ना एक सजेशन चाहिए थी, सजेशन क्या बल्कि जो तुम लोग बोलोगे यार वो मैं कर दूंगा, क्योंकि जो तुम लोग बोलते हो देखो मैं कर देता हूँ, जो आप लोग नाम बोलते हो मैं वो भी रख देता हूँ। तो दोस्तों किंग को तो आप लोग जानते ही हो और इसको भी जानते हो हमारे बड़े वाले मुर्गे को। खैर से यार इसका तुम लोगों ने नाम काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट करा था, इसका नाम हम कल की वीडियो में बताऊंगा मैं तुम लोगों के क्या रखना है, ठीक है ना। खैर से आज मैं बताता चलूँ कि यार किंग जो है ना वो हमारे पास अकेला है, पर वो हमारे पास अभी रखा हुआ है, और ये तो तुम्हें पता है जाएगा क्योंकि किसी और भाई का है। तो किंग जो है ना उसके साथ तुम लोग बताओ कि हम कौन सी मुर्गी रखें, ये वाली या फिर ये वाली, ये जो है हमारी क्या नाम है कंधारी है, या फिर ये वाली, ये गंजी मुर्गी, ये गंजी मुर्गी रखें। इसका नाम मैंने गंजी मुर्गी रखा है क्योंकि गंजी हो जाती है हर बार। गंजी मुर्गी रखें, कंधारी रखें, या फिर ये वाली रखें असील, हैं तीनों असील। तो आप लोग बताओ कि हम कौन सी रखें भाई, तो ये आप लोगों का फैसला छोड़ा, कमेंट में बताओ मुझे कौन सी रखें, वाइट असील या फिर गंजी असील या फिर कंधारी असील, ठीक है। छोटे डॉन जल्दी जल्दी खा लो यार देर हो रही है। तो दोस्तों हमने सबको जो है खाना खिलाफ लगे फारिग कर दिया है, सिर्फ यही दोनों रह गए थे, और मगरिब होने वाली है भाई। तो खैर से दोस्तों बाकी यार बहुत ज़्यादा दुख है हमारे आज़ाद पिजन का कि वो अब नहीं रहा। तो खैर तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घर में शौक को लाजमी। मजे मजे के ब्लॉग्स के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।